पीस अम्ब्रेला फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। फ्रॉक का मेजरमेंट फुल लेंथ 18 इंच, अक्रॉस बैक 10 इंच, चेस्ट 22 इंच, स्लीव लेंथ 6 इंच। इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम अम्ब्रेला कट फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे, फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। 18 इंच फुल लेंथ है, सीम अलाउंस हाफ इंच, टर्निंग 1 इंच। 18 प्लस हाफ प्लस 1 19 एंड हाफ 19.5 इंच। जब आप कपड़े पर कटिंग करेंगे तो इसी फॉर्मेट के हिसाब से आप लंबाई का निशान लगाएंगे। यहां पर अम्ब्रेला कट फ्रॉक बनाना है तो उसकी जो विड्थ है वो आप कपड़े की जो अर्ज होती है 36 इंच वो रख सकते हैं, या जितना घेरा बनाना चाहते हैं आप उतना रख सकते हैं। दूसरा, जितनी आपकी लेंथ है उतनी ही आप विड्थ ले सकते हैं। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। इसमें लेंथ हमारी जितनी है उतनी ही हम विड्थ ले लेते हैं, या डिपेंड करता है जितना हम घेर लेना चाहते हैं। जो अम्ब्रेला कट फ्रॉक बनता है उसमें विड्थ अगर हम इक्वल ही ले तो उसकी जो गोलाई है वो सही बैठती है, उसमें जोड़ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारा जो है लेंथ है और ये विड्थ है। हमारे इस फ्रॉक की लेंथ और विड्थ कम है जिसमें कि हमें इसमें किसी प्रकार का जोड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम किसी बड़े का बनाते हैं तो उसमें हो सकता है हम यहाँ पर गोलाई करते हैं, थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ जाए तो वो जोड़ लगा के हम उस गोलाई को फ्रॉक पर दोनों भाग में कर सकते हैं। ये हमारी लेंथ है और ये विड्थ है। लेंथ हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से ली है, विड्थ आप कपड़े के अर्ज के अनुसार कम ज्यादा ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर निशान लगाएंगे अक्रॉस बैक का। अक्रॉस बैक हमारा है 10 इंच। अक्रॉस बैक का हाफ आएंगे, अक्रॉस बैक का हाफ हमारा हो गया 5 इंच। अक्रॉस बैक का हाफ 5 इंच। लेंथ लाइन से अंदर की तरफ आए, 5 इंच पर निशान लगाया। फिर इसके बाद हम लगाएंगे स्लीव की लेंथ का निशान यहीं पर। स्लीव लेंथ हमारी 6 इंच है तो ये जो हमारा अक्रॉस बैक है इससे हम आगे आएंगे और 6 इंच पर प्लस 1 करके निशान लगाएंगे। 6 प्लस 1 किया तो यहां से यहां तक हमारी 7 इंच होगी। अब हमें ये आर्मोर का निशान लगा, ये हमारा तीरे का निशान हो गया, ये हमारी स्लीव का निशान हो गया। अब हमें लेंथ लाइन से डाउन आना है आर्मोर के लिए। आर्मोर के लिए हमारे यहाँ पर 5 इंच है, 5.5 से 6 इंच नीचे आते हैं हम, इसमें 6 इंच नीचे आएंगे, 6 इंच नीचे आकर के निशान लगाएंगे। ये आर्मोर का निशान हो गया। चेंज नीचे है, आर्मोर का निशान लगा लिया। दोबारा देखिए यहां से यहां तक अक्रॉस बैक का हाफ 5 इंच, यहां से यहां तक और यहां तक, यहां से यहां तक हमारी स्लीव लेंथ, यहां से यहां तक जहां हमारा तीरे का निशान खत्म हुआ वहां से यहां तक हमारी स्लीव लेंथ है। तो ये यहां से यहां तक अक्रॉस बैक और स्लीव लेंथ दोनों का
प्लस करके निकालना है, जितना आए वो हमें लेना है। दोनों का टोटल आया हमारा 12 इंच, तो हमने यहां से यहां तक 12 इंच पर निशान लगाया टोटल, लेफ्ट लाइन से और अंदर की तरफ यहां तक हमने 12 इंच पर लगाया। नीचे डाउन आए 6 इंच पर, 6 इंच पर डाउन आने के बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5, 22 को 4 से डिवाइड करने पर 5.5 प्लस डेढ़ इंच इजिकल टू 7 इंच। 22 को 4 से डिवाइड किया, 5.5 प्लस 1.5, 5.5 प्लस 1.5 इजिकल टू 7 इंच। लेंथ लाइन से अंदर की तरफ आएंगे और 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हम यहां से यहां तक 6 इंच पर आए थे, ये हमारी यहां से यहां तक हमने 7 इंच पर लगाया निशान। ये जो हमारी स्लीव लेंथ का निशान है, इस निशान को हम यहां लाकर हल्की सी गोलाई करते हुए इस प्रकार से मिलाएंगे ऐसे। ये शेप देनी है हमें स्लीव के लिए। ये शेप देने के बाद आप यहां पर नीचे के घेर की गोलाई करेंगे, यहां अपने इंची टेप को रखेंगे और जो आपकी टोटल लेंथ है उसको घुमाते हुए आप राउंड सर्कल का निशान लगाएंगे। अब ये देखिए कैसे लगाएंगे, अपना इंची टेप लेना है, इंची टेप को इस कॉर्नर पर रखना है, ये यहां पर जितनी आपकी लेंथ होगी उसी पर आपको निशान लगाते हुए ऐसे चलना है, कम ज्यादा नहीं करना है, इंची टेप को घुमाना नहीं है ऐसे। ये मैं जो स्केल को घुमा रही हूं उसी तरीके से आपको अपने इंची टेप को घुमाना है ऐसे। इससे क्या है, आपकी एग्जैक्ट जो लेंथ है वो निकल करके आती है, ये ऐसे आप गोलाई कर सकते हैं इंची टेप की मदद से या फिर फ्री हैंड। अब इसको हमने ये जो निशान मिले हैं हमें डॉटेड डॉटेड वाले, इनको हम इस प्रकार से गोलाई करते हुए और अपनी बॉटम लेंथ लाइन से ऐसे मिला देते हैं। ये वाला जो हमारा मार्जिन बचा इसको स्ट्रेट ही रहने देते हैं यहां पर ऐसे। अब हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ के लिए 2 इंच विड्थ रखेंगे, नेक विड्थ 2 इंच रखेंगे, नेक लेंथ 3 इंच। ये हमारी नेक विड्थ और नेक लेंथ फ्रंट के लिए। बैक पार्ट की जो नेक लेंथ होगी हमारी वो होगी 2.5 इंच। अब यहां पर हम 2 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और निशान लगाएंगे ये नेक विड्थ का, और 2.5 पे हम बैक का निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। ये हमारा 2 इंच और 2 इंच ही हमने यहाँ 2.5 हमने यहाँ लेंथ ली है। 3 इंच पर नीचे फ्रंट के लिए लेंथ का निशान लगाएंगे, विड्थ दोनों की इक्वल ही होगी और ये हमारा 3 इंच। ये यहां से यहां तक हमारी फुल लेंथ है। इसमें क्या करना है, जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में हमें कट लगाना है
बटन पट्टी के लिए, हुक के लिए, टिच बटन के लिए या जिप के लिए, जो भी आप लगा अटैच करना चाहें वो आप लगा सकते हैं। तो बैक में हमें यहां पर बैक पार्ट में 3 इंच का निशान लगाना है, डाउन आना है और ये कट लगाना है बैक पार्ट में, ये जो मैंने आपको बताया ये वाला 3 इंच का ये कट लगेगा बैक पार्ट में। फ्रंट में ये आप ये जो भी सेव करना चाहे वो सेव कर सकते हैं। ये हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों ही पीसों की ड्राफ्टिंग है। यहां पर जो विड्थ रखनी है वो विड्थ तो क्लोज रख सकते हैं, या जितना आपको चाहिए, जितनी लेंथ है, लेंथ हमारी 19.5 थी तो हम यहां पर 19.5 या 20 या 18 इंच कम करके भी हम रख सकते हैं। ये हमारा जो विड्थ है उसके लिए ये फॉर्मेट है, आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये वन पीस अम्ब्रेला फ्रॉक आपका बनेगा। इसमें जो कट करना है वो क्या करना है, आपको यहां से ये कट करना होता है, ये नहीं करना, ये जो डॉटेड लाइन है इसको कट करना होता है, फिर ये यहां से ये कट होता है, सिर्फ ये पीस और ये पीस निकलता है इसमें, एक पीस ये और दो पीस ये, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। गले की कटिंग करनी है बैक की और फ्रंट की, और बैक में कट डालना है 3 इंच का। ये सभी फॉर्मेट आपको समझ आ गए होंगे। यहां पे जो है ये स्ट्रेट ही रखना है, यहां से ऐसे ये कट करना है, ये ऐसे। अब यहां पर हमने जो विड्थ रखी है वो रखी है 20 इंच, आप कम भी कर सकते हैं, यहां पर 18 इंच भी ले सकते हैं या जितनी लेंथ है उतनी भी ले सकते हैं। ये जो दो फॉर्मेट है इनके हिसाब से हम विड्थ कपड़े की ले सकते हैं। ये हमारे वन पीस अम्ब्रेला फ्रॉक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई।